भक्त प्रहलाद कहता है कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरी सभी कामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती है आपकी कृपा से, तो फिर मैं भला आपसे क्यों कुछ मांगू। भगवान कहते हैं कि पुत्र यदि आए हैं तो कुछ न कुछ तो दे करके जाते हैं, और भगवान का ये परम भक्त प्रहलाद कहता है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हट कर लिया, दे करके तो जाएंगे, जो इच्छा हो मांग लो। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि यदि राशीष में कामन वरास्तम वर दर्शभ कामानां भृत्य संरोहम भवतस्तु गृहे वरम। हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि कामनाओं का हृदय से समूल नाश हो जाए, कभी कोई इच्छा ही नहीं हो, कोई कामना ही शेष नहीं रहे, जड़ से ही मूल से ही हृदय से कामनाओं का नाश हो जाए। यदि अर्थात कभी कोई इच्छा ही नहीं हो मांगने की, कभी कुछ नहीं चाहिए, ये वरदान आप दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, और अपने चरणों में प्रगाढ़ प्रेम और निश्चल भक्ति प्रदान किए। लोग कहते हैं कि जब प्रहलाद जैसे भक्त हुआ करते थे उस समय तो भगवान खम्भ फाड़ करके भी आ जाते हैं, और आज कितनी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, कितने घर टूट जाते हैं, कितने खम्भ टूट जाते हैं, भगवान कभी प्रकट नहीं होते। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान तो आज भी प्रकट होते हैं, प्रकट करने के लिए, प्रकटाने के लिए कम से कम निष्ठा तो हो प्रहलाद जैसी। सूर्य अनेक फिरे कन मागत पद सूर सुस्वाद कहाँ है, सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ है, पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारिश चाह। सियाराम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रतिखंबल में पर काढ़न को प्रहलाद। हर खंभ में आज भी हर जगह सर्वत्र प्रभु व्याप्त है, लेकिन प्रहलाद जैसी निष्ठा तो हो किसी में। दुनिया भर के सूरदास आज आपने देखे होंगे तानपुरा बजाते हुए, घर घर जो है दाना मांगते हुए, पद गाते हुए, परंतु जो मिठास सूरदास के लिखे हुए पदों में थी, आजकल के सूरदासों के पदों में कहां है भला। ताल मजीरा बजाती हुई कितनी मीराएं आज भी मिल जाएंगी, लेकिन जो मतवाला पलपन जो मीरा के हृदय में था भगवान के प्रति, वो आजकल की मीराओं के मन में कहां है। राम जी की कथा तो बहुत लोगों ने लिखी है, लेकिन जो मर्यादा, जो प्रेम, जो भक्ति का भाव गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में है वो किसी और रामायण में नहीं है। इसलिए अगर भक्ति होगी तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। सौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, प्रहलाद जैसे एक भक्त को भगवान ने आकर के कृतार्थ किया, उसकी रक्षा की, परंतु क्या कभी किसी को अभिमानी की भी भगवान रक्षा करते हैं। बोले जब तक अभिमान हृदय में रहता हो तब तक भगवान नहीं सुनते किसी की, लेकिन अभिमान छोड़ करके, अभिमान त्याग करके, चाहे कितना ही बड़ा अभिमानी, कितना ही बड़ा बलशाली ताकतवर हो, लेकिन अभिमान को छोड़कर भगवान की शरणागति करेगा तो भगवान उसको जरूर जो है उसकी रक्षा करते हैं। और ये मैं एक कथा सुनाता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से भगवान छल कपट अभिमान छोड़ने पर भी दौड़े चले आते हैं। बोले एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत क्षीर सागर में, और वहां 10,000 ऊंचा, 10,000 योजन ऊंचा ये पर्वत क्षीर सागर में, और उसमें भी वरुण का एक ऋतुमान नाम का एक बहुत बड़ा उद्यान था,
एक भीषण जंगल, और उस जंगल में, उस उद्यान में एक सरोवर था, और उस जंगल में एक हाथी गजेंद्र बहुत सारी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ निवास करता था। एक दिन अभिमान में भरा हुआ, पेड़ों को झाड़ियों को रौंदते हुए परिवार सहित, वो गजेंद्र अपने परिवार के सहित इधर उधर घूम रहा था। तेज धूप के कारण उसे गर्मी लगी और ऐसे में प्यास से व्याकुल होकर वो सरोवर में जल पीने के लिए चला गया। और सरोवर में जल पीने के लिए गया तो वहां सबने जल पी करके अपनी प्यास शांत की, और उसके बाद उस जल में स्नान करने लगे, अठखेलियां करने लगे, सूंड में भर भर के जल एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। और ये जल क्रीड़ा करते करते अचानक ही उस जल में निवास करने वाले एक बलशाली ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को जोर से पकड़ लिया। और जब ग्राह ने उस पैर को पकड़ा महाराज, एक बार की तो वो खींच करके बाहर तक ले आया, परंतु जल में ग्राह का बल चौगुना हो जाता है, तो ग्राह वापस उस गजेंद्र को पकड़ करके भीतर ले गया। उसके परिजनों ने, हथनियों ने, बच्चों ने, सबने मिलकर उस हाथी को पकड़ करके बाहर निकालने का प्रयास किया, उस गजेंद्र को बाहर लाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी नहीं निकाल सका। और जब सबने देखा कि हम लोग चाहते हुए भी इस गजेंद्र को, हमारे राजा को नहीं निकाल पाएंगे, लगता है आज इनका अंत समय आया है, और एक एक करके सब जंगल की तरफ जाने लगे। कौन का को मीत कुसमय, कौन का को मीत अपने और पराए छोड़े, यही जगत की रीत। जब बुरा वक्त आता है ना महाराज, कोई किसी का प्रिय नहीं होता है। जब बुरा आता है तो सब अपने प्रियजन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिजन सब छोड़ भागते हैं, अपने भी और पराए भी छोड़ जाते हैं जब बुरा समय आता है, जब संकट आता है, कष्ट आता है। और ये कोई नई बात नहीं महाराज, ये तो संसार की रीति है। जब सब लोग एक एक करके जाने लगे, धीरे धीरे वो ग्राह उस गजेंद्र को जल में खींचने लगा, और जब नाक कान डूबने लगे, पूर्व जन्म में उसने एक जो है स्तोत्र सुना था, पढ़ा था, याद किया था, उसका स्मरण हो आया, उसको लगा मैं किसको पुकारूं, और तब उसने भगवान नारायण को पुकारा। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन जीवन हारे, हे गोविंद।
गजेंद्र के पैर को पकड़ रखा है, जल में धीरे धीरे खींच रहा है। चार पहर पूरे होने को है और वो आतुर होकर दुख में पड़ा हुआ गजेंद्र, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको पुकारूं। वो नहीं जानता था कि क्या नाम है उसका जिसको पुकारना है, जो मेरी रक्षा कर सकता है। उसने सुना था कि कृपालु दीन दयालु भक्त वत्सल, हे प्रभु आप तो भक्तों पर को कृतार्थ करने वाले हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, हे करुणा सिंधु आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पहुंचे आधे नाम सखीरी मेरे निर्बल के बलराम, बोले गो कहा था इतने में तो रक्षा हो गई। पुकार तो सबको रहा था कृपा सिंधु दीन दयाल भक्त वत्सल करुणा सागर, नाम नहीं आता था। परंतु जो कृपा सिंधु था, जो करुणा सागर था, जो भक्त वत्सल था, जो दीन दयालु था, उसने सुन लिया और वो दौड़ के आएगा। और आकाश में देखा भगवान नारायण पधारे हुए हैं, कुछ और नहीं दिखा, केवल एक लहराता हुआ एक पीताम्बर ही दिखा। गजन रखी फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकनी, भूल गयो सुधिग्राह प्रसन्न की। गजन रखी फहरान बसन की, लहराते हुए पीताम्बरी को देखा, मुख नहीं दिखा अभी, कौन है, कहां से आया है, कैसा दिखता है, केवल
लहराता हुआ वो पीताम्बर दिखाई दिया। भूल गया, ग्राह ने पकड़ रखा है, वो कष्ट, वो आतुरता, वो व्याकुलता सब भूल गया और देखता रहा। और जब भगवान को देखा तो इतनी देर में तो महाराज दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर्य ग्राह की समस्त शक्ति सो गई। वाम कर कंज से संभाला है करीश पग, देखते ही शंभु विध की मति खो गई। पीठ पथ से पहुंचते अमोचते बिंदु माथे के, शोभा यह और अनुराग बीज बो गई। मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की शक्ति सो गए। जल पे जल भी और वो ग्राह भी शक्ति शून्य हो गया। महाराज ने बाएं हाथ से उसको संभाला और उसके पसीने की बूंदे बूंदे है ना महाराज, उस गजेंद्र के माथे पर थी, उस पसीने की जो है बूंदे हैं उनको अपनी पीतांबरी से पोंछ रहे हैं और अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक को सहला रहे हैं। भगवान नारायण अपने पीतांबर से पोंछते हुए उसके जो पसीने की बूंदों को पोंछते हुए देखा तो भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा भी जैसे सुदबुद्ध खूब उठ बैठे हो कि धन्य है गजेंद्र तू कि स्वयं भगवान नारायण अपनी पीतांबरी से तेरे पसीने की बूंदे पोंछ रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रजराज कह रहे हो कि क्षमा करना हमें गजेंद्र, हमने तेरी आवाज तेरी पुकार सुनने में तेरी टेर सुनने में देर कर दी, उसके लिए हमें क्षमा करना। और उसी समय वो चक्र से जब मारा, ग्राह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया परंतु ये गजेंद्र नाराज हो गया। बोले प्रभु आपका ये न्याय हमारी समझ में नहीं आया है। समझ में न आया नाथ, समझ में न आया नाथ, न्याय क्या किया है आज। समझ में न आया नाथ, न्याय क्या किया है आज, गज को उबारा है या ग्राह को उबारा। बोले भगवान हम आपसे नाराज हैं, पुकारा मैंने और पहले उद्धार उसका ग्राह का किया आपने। भगवान कहते हैं देखो भैया, जो हमारे हमें कोई पुकारता है ना, हमें याद करता है, अगर उसके कोई पैर भी पकड़ लेता है तो पैर पकड़ने वाले का उद्धार हम पहले कर देते हैं, पुकारने वाले का बाद में करते हैं। गजेंद्र की रक्षा की महाराज, और गजेंद्र की रक्षा तो केवल पुकारने मात्र से हो गई थी। तम वीक्ष पीड़ित मजय सहसाव तीर यह सग्राह मासु सर सह कृपयो जहार, ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम। और तब उसने अपनी सूंड से पुष्प, कमल का पुष्प उखाड़ा और प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय दिबीजाय परेशाय धीमहि। कि हे प्रभु आपने आज मेरी रक्षा की है, मुझे धन्य कर दिया अपने दर्शन से, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु। नहीं तो मुझ जैसा हाथी एक जीव उसके लिए आप दौड़कर चले आए। कहते हैं कि सूत जी महाराज ने जब ये कथा सुनाई तो सौनक ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये गजेंद्र था कौन जो भगवान इसके लिए स्वयं जो है चल करके आए। सूत जी कहते हैं कि गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा हुआ करता था और ये राजा भरी जवानी में राजपाट छोड़ करके वन में चला गया तपस्या करने के लिए।
एक दिन अगस्त ऋषि उधर से जा रहे थे, नाम था इसका इंद्रदुम्न राजा का, अगस्त ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने पूछा ये कौन है, बोले महाराज ये राजा इंद्रदुम्न है, भरी जवानी में सबको छोड़ करके जो है यहाँ आकर के तपस्या करने लगे, राजपाट छोड़ करके। अगस्त ऋषि को क्रोध आया कि ये अपना काम छोड़ करके, इसका काम हम लोगों की सेवा, सुश्रूषा, प्रजा का, प्रजा की सेवा, प्रजा पालन करना है, और ये राज्य का काम छोड़कर यहाँ तपस्या कर रहा है, लगता है इसकी बुद्धि भी जड़ हो गई हाथी के समान, इसलिए श्राप देता हूं कि ये हाथी हो जाए, गजेंद्र को। उसने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, हे मुनिवर मुझसे भूल हो गई, परंतु कोई बात नहीं, तेरा कल्याण हम स्वयं भगवान करेंगे, उनके दर्शन से तेरा सारा पाप दूर हो जाएगा। महाराज ये ग्राह कौन है, बोले ग्राह हू नाम का गंधर्व है, और ये गंधर्व जो है असल में एक बार की बात है, देवल ऋषि एक बार जल में स्नान कर रहे थे, तो जल में स्नान कर रहे थे उसी समय ये हुहू गंधर्व जल में भीतर प्रवेश कर गया और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके चिल्लाने लगा मगर मगर मगर। देवल ऋषि तो समझ गए कौन है, तो जब समझ गए तो तुरंत उन्होंने जो है श्राप दे दिया कि मूर्ख तू मुझे डरा रहा है, मगर मगर करता है, जा तू खुद ही मगरमच्छ हो जा। और इसलिए वो मगरमच्छ हो गया, उसने हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए कि मुझसे भूल हो गई। गंधर्व ने कहा तो बोले भूल हो गई कोई बात नहीं, मगरमच्छ तो बनेगा, लेकिन तुझे अपनी भूल का अनुभव हुआ है इसलिए भगवान स्वयं जो है तेरा उद्धार करेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इसलिए कहा है कि यदि हम अपना अभिमान अहंकार छोड़ करके यदि भगवान के सम्मुख जो है अगर अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारा कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। इस प्रकार से वहां पर उन्होंने उस गजेंद्र की कथा को कहा। सूत जी महाराज ने कालांतर में दैत्यों का देवताओं पर बार बार विजय कर हासिल करना, फिर स्वर्ग से उनको वंचित कर देना, ऐसे में शक्ति संपन्न बनाने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की, और तब भगवान ने एक उद्योग बताया कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और तब समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को भी तैयार किया गया, क्योंकि दैत्यों के सहयोग के बिना समुद्र मंथन संभव नहीं था। ऐसे में मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की नेति बनाई गई, स्वयं भगवान कच्छप बनकर के आधार बने उस मंदराचल पर्वत की उस मथानी के, और ऊपर से स्वयं ने अजित बनकर के उसे दबाया। उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब इस हलाहल विष को कौन ग्रहण करे महाराज, तो हलाहल विष को भगवान शंकर से प्रार्थना की गई, और तब भगवान शंकर ने हलाहल विष को धारण किया, लेकिन पार्वती जी ने उनके गले पर हाथ रख दिया कि वो भीतर प्रवेश नहीं करे, तो वो गले पर ही रह गया, इसीलिए भगवान नीलकंठ नाम से भी विख्यात हुए। कहते हैं कि हलाहल विष का जब पान कर रहे थे तो कुछ बूंदें उसकी भूमि पर, जमीन पर गिर पड़ी, और वो जो हलाहल विष से गिरी हुई बूंदें थी उन्हीं से ये विषैले जीव जंतु और ये जो औषधियां आदि विषैले जो 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 वनस्पतियां हैं ये उसी हलाहल विष का परिणाम है। और जब कामधेनु निकली तो कामधेनु ऋषियों को प्रदान की गई महाराज। उच्चै श्रवा नाम का घोड़ा मिला, दैत्यराज बलि ने कहा महाराज ये अश्व तो मेरे को चाहिए उच्चै श्रवा। और जब ऐरावत नाम का हाथी मिला, उस ऐरावत हाथी को इंद्र ने मांगा और ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान किया गया। कौस्तुभ मणि स्वयं भगवान ने धारण की, तो कल्प वृक्ष स्वर्ग में दिया गया। ऐसे ही चंद्रमा, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी और अंततः स्वयं भगवान नारायण धन्वंतरी बनकर के आए अमृत का कलश लेकर के। अब राक्षसों ने देखा कि इसी में सब कुछ है, तो तुरंत उस अमृत के कलश को लेकर के महाराज दौड़ने लगे। भगवान समझ गए कि देवताओं ने और दैत्यों ने उद्योग मिलकर के किया था, और देवताओं का ये विचार था कि ये अमृत जो निकलेगा उसका पान करके हम जो है शक्ति संपन्न हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे और इन दैत्यों को जीत लेंगे, परंतु ये तो जो धन्वंतरी के रूप में जो हम अमृत कलश लेकर के आए थे वो अमृत कलश ही दैत्य लेकर के भाग रहे हैं।
और तब भगवान ने एक और अवतार लिया और इस बार अवतार उन्होंने मोहिनी का था अवतार लिया। सुंदर मनोहर रूपवती मोहिनी स्त्री का रूप उन्होंने धारण किया और उन दैत्यों को बरगलाया और उनको समझा बुझा करके अमृत का कलश लिया और उनको सबको कहा देखो भाई चिंता मत करो, इस अमृत में बहुत कलश, इस कलश में बहुत अमृत है, आप देवता इधर पंक्ति में लग जाओ और दैत्य दूसरी पंक्ति में, सबको बराबर मिलेगा। और वो मोहिनी बने हुए भगवान नारायण उस अमृत कलश को लेकर के जब देवताओं की बनी हुई पंक्ति में जब देवताओं को पिलाने लगे तो एक दैत्य था जिसका नाम था राहुल। उसने सोचा कि कहीं हमारे साथ छल नहीं हो जाए, इसलिए वो वेश बदल करके देवता बनकर के देवताओं की पंक्ति में जा बैठा हुआ है। और जब देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठा तो जैसे ही अमृत डालने लगे पिलाने के लिए, उस राहु को जो देवता बना हुआ था, सूर्य और चंद्रमा को इस बात का पता चल गया तो तुरंत उन्होंने भगवान से कहा प्रभु ये कोई और नहीं है तो राक्षस है, राहु है। अब अमृत का कुछ बूंदे उसके मुख में चली गई थी, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट भी दिया, लेकिन चूंकि उस अमृत का प्रभाव था जिसके कारण राहु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। और आज भी इसीलिए राहु, चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने बताया था कि ये राक्षस है दैत्य है, इसलिए आज भी इन दोनों का ग्रहण करता है, ग्रहण लगा। कालांतर में अमृत का पान करके देवता शक्ति संपन्न हुए, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई और युद्ध समाप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस मोहिनी रूप पर तो भगवान महादेव भी मोहित हो गए थे, क्यों मोहिनी रूप के बारे में भगवान महादेव ने सुना तो वो आए, बोले भगवान हमने तो वो रूप आपका देखा ही नहीं। भगवान महादेव ने जब ये बात कही तो भगवान नारायण बोले देखो वो हमारा मोहिनी रूप देखोगे तो भोले बाबा आप भी मोहित हो जाओगे। भोले बाबा बोले महाराज हम कभी मोहित नहीं होते ऐसे ही। बोले फिर मत कहना। बोले नहीं नहीं आप तो हमें वो रूप दिखाई, और जैसे ही स्वयं भगवान नारायण एक बार फिर से मोहिनी बने तो भोले बाबा भी भूल गए अपने सुधबुद्ध। और इसी कारण से चूंकि भोलेनाथ के कहने पर भगवान ने यहाँ पर मोहिनी का रूप धारण किया था, तो इन भगवान के लिए भी भोलेनाथ को उनकी रास क्रीड़ा में मोहिनी बन करके आना पड़ेगा। आगामी अनेक मनवंतर बीते, अनेक मनो हुए। इधर दैत्यराज बलि दैत्यों के राजा थे, उन्होंने कठोर तपस्या की, भृगुवंशी आचार्यों के आचार्यत्व में अनेक यज्ञ किए और बल अर्जित करके स्वर्ग पर उन्होंने आक्रमण किया और दैत्यराज बलि ने पूरे त्रिलोकी को जीत लिया। देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग खड़े हो गए। ऐसे में कश्यप की जो पत्नी है अदिति, जो कि देवताओं की माँ है, उसने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि हे मुनिवर मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं, व्याकुल हैं, आप मुझे कोई ऐसा वरदान, ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे इन पुत्र देवताओं का हित कर सके, उनकी रक्षा कर सके, उनका भला कर सके, और जो त्रिलोकी इस बलि ने जीत रखी है उससे किसी भी प्रकार से बलि इसे जो है त्रिलोकी प्राप्त कर सके। ऐसे में कश्यप ऋषि ने एक व्रत का उपदेश किया, 12 दिन का एक व्रत जो पयो व्रत कहलाता है, केवल दुग्ध का आहार ही जिसमें लिया अदिति ने, और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में इस व्रत को, पयो व्रत को उन्होंने जो है विधि विधान के साथ पूर्ण किया। ये दैत्यराज बलि असल में प्रहलाद का जो पौत्र है और विरोचन का ये पुत्र है बलि, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये परम दानी भी है। इसके यहाँ कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। अब सबके सब देवता भगवान के पास गए, भगवान बहुत कष्ट में हैं, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कोई उपाय कर सकते हैं जिससे इस दुष्ट राक्षस को ये मारा जा सके। भगवान बोले देखो भैया युद्ध तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए मैं बलि से जाकर के युद्ध करूं ये मेरे लिए संभव नहीं है। यदि लेकिन तुम चाहते हो कि तुमको त्रिलोकी चाहिए तो मैं फिर अपना कोई उपाय करके तुम्हारे लिए त्रिलोकी अवश्य ला करके दूंगा। अब देवता तो सदा के स्वार्थी, बोले भगवान चाहे कुछ भी करो, भीख में ही ला करके दो, आप चाहे भिक्षा मांग करके ला के दो, लेकिन हमको त्रिलोकी दीजिए। और तब भगवान नारायण चूंकि कश्यप के
उपदेश करने पर अदिति ने पयोव्रत किया था, उस पयोव्रत का फल प्रदान करने और देवताओं की रक्षा करने का निमित्त लेकर के भगवान नारायण वामन रूप में प्रकट हुए महाराज। और अभिजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त में भगवान नारायण छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए, और ऐसे में जब वामन भगवान स्वयं साक्षात नारायण प्रकट हुए तो कश्यप ऋषि ने उनका जात कर्म किया। और इस अवसर पर सब के सब देवता वहां पर पधारे महाराज, और देवताओं में बृहस्पति देव ने उनको यज्ञोपवीत प्रदान किया, तो चंद्रमा ने उनको दंड भेंट किया। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उस वामन को जो है ब्रह्म सूत्र पहनाया, तो गोलोक वासियों ने एक छाता भेंट किया, तो पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म उनको भेंट किया। माता अदिति ने कटी वस्त्र व कौपीन उनको प्रदान किया। सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, तो कश्यप ऋषि ने मेखला, और कुबेर ने एक भिक्षा पात्र यानी कमंडल उनको भेंट किया, और वो भिक्षा पात्र लेकर के माता पार्वती से भिक्षा लेकर के आए, और वो भिक्षा उन्होंने अपने गुरु को प्रदान की। और तब इन देवताओं का हित चिंतन करते हुए दैत्यराज बलि की तरफ भगवान वामन चल पड़े। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे छोरी, भगत भर दे रे छोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे छोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे छोरी, भगत भर दे रे छोरी। हमारे बाबन भगवान आप लोग के पास नहीं जा रहे हैं, और बाबन भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं, तो जिनको भी देना हो आप इनके कमंडल में डाल दीजिएगा, ले जाइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे छोरी, भगत भर दे रे छोरी, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा तेरे द्वार खड़ा भगवान,
देवन काज
झांकी का काम शांति से कीजिएगा, डिस्टर्ब न हो कथा में। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। भगवान वामन दैत्यराज बलि के यहाँ, जहाँ पर नर्मदा के तट पर दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे शुक्राचार्य के आचार्यत्व में, वहां पर पहुंचे। छोटे से ब्राह्मण वटु को देखा तो दैत्यराज बलि ने उनका स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरुधाम। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या आपको भेंट करूं। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, जो भी आकांक्षा हो, बोल दीजिए, मैं आपको अभी दान कर देता हूं। अब वामन भगवान को किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए थे, इसलिए छोटा मोटा थोड़े ना कुछ मांगना था, इसलिए चुपचाप बस केवल वो जो माला थी, माला पे जाप चल रहा है, कुछ बोलते नहीं है। बोले ए ब्राह्मण देवता, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ चाहिए तो बोलिए, बताइए मैं आपकी क्या भेंट करूं, क्या सेवा करूं। फिर भी कुछ नहीं बोले। बोले आप कहें तो मैं 2-4-5 हजार गायें आपको दान में दे दूं, आप कहें तो आपको मैं 1-2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दूं, जो भी आपकी इच्छा हो कुछ तो लीजिए। फिर भी कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बोले कुछ और नहीं चाहिए तो हमारे गांव के किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से आपका ब्याह करा दें। बोले महाराज, ब्याह करने के बाद तो फिर परिवार बढ़ेगा, बाल गोपाल भी होंगे, परिवार बड़ा होगा, बच्चे होंगे, उन बच्चों में से बोले एक आध कोई मर गया तो फिर रोना भी पड़ेगा, रोएगा कौन। तो बोले महाराज, ब्याह आपका होगा, बच्चे होने के बाद रोना पड़े, उस काम को करें क्यों, इसलिए क्षमा करो महाराज। बोले हे ब्राह्मण देवता, आज आप मेरे यहाँ पर पधारे हैं और अगर बिना कुछ लिए चले जाएंगे तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा, इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जो कुछ चाहिए आप, क्योंकि मेरा नियम है, आज तक कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं गया, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। अब बार बार मांगने के लिए कहने लगे तो बोले अगर कुछ देना चाहता है तो देख भाई, फिर ऐसा मत करना कि मैं मांगू और तू मना कर दे। अब शुक्राचार्य जी ने देखा भाई ये कौन है जो इतना बार बार राजा कह रहा है मांगो मांगो मांगो, और ये ब्राह्मण देवता कुछ मांगने को तैयार ही नहीं है। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो देखा ये तो ना तो वामन है ना तरेपन, ये तो नारायण है। तुरंत हाथ पकड़ करके राजा को एक तरफ उठा करके ले गए और कहने लगे कि राजा मना कर दे, लेने देने की कोई बात भी नहीं हुई, कुछ नहीं देना है। बोले क्यों? बोले क्यों कि ये वामन नहीं, ये स्वयं नारायण है जो तुझे ठगने के लिए, छलने के लिए आए हैं। राजा बोला अब तो मैंने देने के लिए कह दिया, अब मना नहीं कर सकता महाराज, क्या मेरी साख नहीं गिरेगी, क्या मुझे दोष नहीं लगेगा, क्या मुझे पाप नहीं लगेगा। बोले बिल्कुल नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 8 ऐसे स्थान हैं जहां अगर आप झूठ बोल भी दे तो उसका दोष नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानतम शाज गुप्सितम। अगर तुम मना कर देते हो कि नहीं मैंने देने की कोई बात ही नहीं की महाराज, तो भी तुमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 8 ऐसे स्थान है जहां पर झूठ बोलने पर, मिथ्या भाषण करने पर दोष नहीं लगता। पहला
कभी किसी कारण से स्त्रियों से कोई झूठ बोल दी जाए तो उसका दोष नहीं लगता। क्यों माताएं नाराज मत होना, पर क्या युधिष्ठिर का श्राप है माताओं को कि कोई भी बात वो ज्यादा देर तक पेट में नहीं रख सकती, वो इधर उधर कह ही देती है। रुक्मिणी जी नहीं रख पाई थी, युधिष्ठिर का श्राप था कुंती को, कोई स्त्री किसी बात को ज्यादा देर तक अपने पचा नहीं पाई। इसलिए किसी बात का अगर आपको प्रचार नहीं करवाना हो तो आप स्त्रियों से थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं, ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दूसरा, यदि हास परिहास में हंसी मजाक में कभी कोई झूठ बोल जाते तो उसका भी दोष नहीं लगता है। किसी का कोई ब्याह हो रहा हो और ब्याह में कोई अड़चन आ जाए, ऐसे में आप अगर छोटा सा झूठ बोल दें तो ब्याह हो जाए तो उसका भी दोष नहीं लगता है। किसी कन्या के लिए, कोई वर के लिए, वर वाले लड़के वाले देखने के लिए आए और पड़ोसी से पूछ ले तो भैया जी आपके जो पड़ोसी हैं इनकी झांसा आपकी बिटिया कैसी है, और पड़ोसी कहे महाराज बिल्कुल मत करना ब्याह, तो उससे बड़ा कोई दोषी नहीं है। लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी बेसी भी हो और ये कह दिया जाए नहीं बहुत गुणवान कन्या है, बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, अगर उसमें भी अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसका दोष नहीं लगता। अगर आपकी जीविका संकट में पड़ जाए, नौकरी काम धंधा संकट में पड़ जाए और उसको बचाने के लिए, अपनी जीविका की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उसमें भी दोष नहीं लगता है। अगर आपके स्वयं के प्राण संकट में पड़ जाएं और प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी दोष नहीं लगता है। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यदि कभी झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी दोष नहीं लगता है। या फिर किसी और के अन्य के प्राण संकट में पड़ जाएं और उसको बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसका भी दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी ने तो समझाया लेकिन वो नहीं माने। बोले महाराज मेरी तो बहुत हंसी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि मैंने एक बार देने के लिए कह करके मना कर दिया, अब चाहे ये नारायण हो चाहे कोई और हो, वामन हो चाहे नारायण, मैंने जो कह दिया है अब तो दूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और गुस्से में आकर के श्राप दे के चले गए, तो हमारी बात की अवज्ञा करता जा तू तो अपनी लक्ष्मी को खो देगा, और इसीलिए तो आए थे भगवान नारायण इसकी सारी लक्ष्मी छीनने के लिए। शुक्राचार्य तो चले गए। गर्ग संहिता में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि उन्होंने तो अंत तक प्रयास किया शुक्राचार्य ने। जब भगवान वामन ने कहा भैया संकल्प कर दे जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा, तो संकल्प करने के लिए जो झारी होती है ना, झारी से जल ले रहे थे, झारी की नली में ही बैठ गए शुक्राचार्य, जल आएगा ही नहीं तो संकल्प कैसे होगा।